हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये लाइन तो आपने बहुत बार सुनी होगी। लेकिन हर कामयाब औरत के पीछे एक आदमी की हिम्मत होती है, जो समाज के कुछ नियम और कानून को तोड़कर औरतों के हक के लिए खड़े होते हैं। और ठीक ऐसी हिम्मत गोपाल राव जोशी ने दिखाई थी इन 19th सेंचुरी बाय एडुकेटिंग हर वाइफ आनंदीबाई जोशी एंड मेकिंग हर इंडियाज फर्स्ट इंडियन फीमेल डॉक्टर। यस, फर्स्ट इंडियन फीमेल डॉक्टर। और ये सब उस जमाने में हुआ जब लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को सीरियसली नहीं लिया जाता था, या शायद उन्हें पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि ऑफ कोर्स टिपिकल मेंटालिटी, लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, आखिर उन्हें तो घर के ही काम करने हैं। लेकिन उस जमाने में भी गोपाल राव जोशी जैसे कुछ प्रोग्रेसिव थिंकर्स थे जो लड़कियों के पढ़ाई के इम्पोर्टेंस को समझते थे, जिन्हें गुस्सा इस बात से नहीं आता था कि क्यों उनकी वाइफ घर के काम नहीं करती। इनफैक्ट गुस्सा इसलिए आता था कि क्यों उनकी वाइफ पढ़ाई छोड़कर घर के काम कर रही हैं। गोपाल राव जोशी के इस प्रोग्रेसिव थिंकिंग से उनकी वाइफ आनंदी बाई को इंग्लिश, मराठी और संस्कृत पढ़ने का मौका मिला, और फैमिली का प्रेशर और लोग के ताने आनंदी बाई और उनकी पढ़ाई के बीच ना आए, इसलिए गोपाल राव और आनंदी बाई कैलकटा शिफ्ट हो गए। वेल, आज के टाइम में ये शायद बहुत बड़ी बात ना लगे, लेकिन 19th सेंचुरी में कोई हस्बैंड अपने वाइफ के पढ़ाई को लेकर ऑब्सेस्ड हो, ये बहुत बड़ी बात थी। पर इनकी स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं हुई। असली बदलाव तो तब आया जब आनंदी बाई 14 साल की थी एंड गेव बर्थ टू अ चाइल्ड हु लिव्ड फॉर ओनली 10 डेज ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल केयर। अपने 10 दिन के बच्चे को खोने के बाद आनंदी बाई को रियलाइज हुआ कि भारत में डॉक्टर्स की कमी है, और सिर्फ मेल डॉक्टर्स होने की वजह से प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे और माँ की हालत इसलिए बिगड़ जाती है क्योंकि औरतें अपनी प्रॉब्लम्स मेल डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर पाती थी, और इसलिए उन्होंने खुद डॉक्टर बनने का फैसला लिया। ना, नौकरी या फिर अपनी आइडेंटिटी के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए। तब भारत में एलोपैथी की पढ़ाई नहीं होती थी, और इसलिए वो सात समंदर पार वेस्टर्न मेडिसिन की पढ़ाई करने अमेरिका चली गई, एंड देयर शी कम्प्लीटेड हर 2-year कोर्स इन मेडिसिन एट द एज ऑफ 19। शी ग्रेजुएटेड विद एन MD इन 1886 विद द टॉपिक ऑफ हर थीसिस बीइंग ऑब्स्टेट्रिक्स अमंग द आर्यन हिंदूज, एंड ऑन हर ग्रेजुएशन क्वीन विक्टोरिया सेंट हर अ कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज। पर जैसा मैंने पहले कहा, आनंदी बाई के डॉक्टर बनने का मकसद सिर्फ लोगों की जान बचाना था, और इसलिए 1887 में वो भारत लौट आईं, जहां कोल्हापुर के एक जाने माने हॉस्पिटल में उन्हें फीमेल वार्ड का फिजिशियन इंचार्ज बना दिया गया। हाँ, ये बात अलग है कि वो लोगों की सेवा ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाई, बिकॉज शी डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस बिफोर टर्निंग 22। लेकिन अपने डिटर्मिनेशन से अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, ये बात उन्होंने देश की हर बेटी को सिखा दिया। सिर्फ यही नहीं, औरतों के हक के लिए खड़ा होना, समाज से हटकर एक अलग सोच रखना, औरतों की पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देना, ये बात हम सबको आनंदी बाई के हस्बैंड गोपाल राव जी से सीखनी चाहिए। ज़रा सोचिए, एक ऐसे ज़माने में जब लड़कियों का बाल विवाह हो जाता था, एक ऐसे ज़माने में जब लड़कियों को लाइबिलिटी समझी जाती थी, एक ऐसे ज़माने में जब एक हस्बैंड अपने वाइफ के पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचता था तो उसे पागल कहा जाता था, उसी ज़माने में अगर गोपाल राव सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर अपने वाइफ आनंदी गोपाल को पढ़ने लिखने नहीं देते, सोसाइटी से लड़ झगड़ कर अगर वो अपने वाइफ को मेडिकल की पढ़ाई करने अमेरिका नहीं भेजते, भारत की पहली फीमेल डॉक्टर हमें थोड़ी और देर से मिलती। आज के टाइम में भी जो लोग विमेंस एडुकेशन, विमेंस एम्पावरमेंट में बिलीव नहीं करते हैं, उन्हें गोपाल राव जोशी जैसे लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे समाज में अच्छे कल का बदलाव लाने के लिए हम कैसे समाज के बनाए हुए रास्तों से थोड़ा हटकर चल सकते हैं।